मैं अभी असम के सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके सिलचर में हूँ। ये बांग्लादेश के पास बॉर्डर के पास स्थित एक गांव है, वहाँ हमें विनायक मिले। इन्होंने एक ऐसी बात कही है जो हर भारतीय को खटकेगी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्यों उनको एक तकलीफ है, उनके मन में एक टीस है। जब मैं इनसे बात कर रहा था इनके घर में, इनके कच्चे से टीन घर में बैठ के जब मैं बात कर रहा था, तो इन्होंने जो कहा ना, वो कई सवाल खड़े करता है और वो आम लोगों के से भी सवाल है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटिकल उससे भी है। विनायक आप क्या कह रहे थे, थोड़ा फिर से बताइए। मेरा बोलना कि असम के सभी लोगों का यही बोलना है कि मुंबई में थोड़ा बारिश होती है, चलो डेन भर जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाते हैं, हर टीवी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। लेकिन हमारे घर के छत के ऊपर से पानी भी निकल जाए तब भी वो हमारे इंडियन मीडिया की टीवी शोज में जगह नहीं बना पाती। ऐसी दुख है, ये दुख केवल आज से नहीं है, बहुत पहले से। मेरे पिताजी दादाजी उन्होंने भी बोला करते थे कि असम को लोग कभी देश का हिस्सा मानकर ऐसे कि हमारे इधर से लोग जाते हैं उनको तवज्जो इतना नहीं देना पड़ता है जितने दिल्ली मुंबई और बड़े बड़े स्टेट के लोगों को दिया जाता है। ऐसे ही हमारा कसूर क्या है, हम तो असम से है ना, तो असम इंडिया बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पॉइंट से, तो इंडिया की स्टेट है ना असम, हम यही जानना चाहते हैं। अगर इंडिया की स्टेट है तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है, बोलना ही है। तो मैंने बोला था कि मुंबई में बारिश से ड्रेन जाम हो जाते तो टीवी न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाते। ऐसे ऐसे कई लोग असम में अभी तक 35 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से 33 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से प्रभावित है, करीब करीब 50 लाख के पास लोग प्रभावित हो चुके हैं और इनमें से 150 के पास शायद लोग नहीं रहे इस बार में। और ऐसे ही इन लोगों के जान की क्या कोई तवज्जो नहीं है हमारे भारत देश में? लोग किस सरकार की, किस विधायक, किसने खरीद ली, हॉर्स ट्रेडिंग हुआ क्या, वो हुआ, सारा अली ने क्या किया, कैटरीना कैफ और विकी कौशल के शादी में कितने बॉडीगार्ड है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। क्या खाना बना है, मटन बनाया या चिकन बनाया, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। हमारे कहना यही है और कुछ नहीं है भारत की जनता से। आपको तकलीफ है कि उधर के लोग आपको ना आपको महसूस नहीं, आपको अपना तो नहीं देते हैं या फिर वो आपकी तकलीफ़ में शामिल नहीं होते हैं? वो हमारे तकलीफ़ में शामिल होने की बात नहीं है, वो हमसे सिर्फ ये कह दे ट्वीट करके और वीडियो बना के और लोगों की मदद करके एक तो कह दे कि हम आप लोगों के साथ है, आप लोगों को घबराना नहीं है, वो डिजास्टर के समय जाएगा, हम आपके साथ है ऑलवेज। तो जो सुनते हैं लोगों, हमारे गांव में इतना भी शिक्षित लोग नहीं है कि जो हम बोलते हैं, जो चलो हम बोलते हैं उन लोगों को कि आज मोदी जी ने यह कहा हमारे असम के लिए, आज मोदी हेमंत शर्मा ने यह कहा, तो वो लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो दूसरे लोग भी, दिल्ली मुंबई के लोग भी हमारे इधर के तवज्जो देंगे हमारे असम को, तो मैं समझता हूँ कि असम और भी बेहतर देश के सेवा में आगे आ सकता है। तो बिना बात कुछ यूँ है कि जब मैं इनके घर गया तो ये बुलाए कि ये बताने लगे कि अभी जब मुंबई के यहाँ विधायक आए थे तो पूरे भारत की मीडिया जो है गुवाहाटी में थी, हर एक ने किया, कई के दिन रात जो है चलते रहे, लेकिन इनको असम के जो बाढ़, उसी समय असम सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित, मतलब उस समय सबसे अधिक प्रभावित था उसमें, लेकिन इनकी खबरों को नहीं दिखाया गया। बहुत सारे, ये हम भी कह सकते हैं कि बहुत सारे चैनल थे जिन पे 24 घंटे में एक या दो बार सिर्फ असम की बाढ़ की बात आई, जबकि एक बड़ा इलाका, पूरा असम जो है डूबा हुआ था, जलमग्न। अभी आप मेरी तरफ नज़र आप दिखाइए, अगर आप सिर्फ यहीं पे नज़र दौड़ा दें तो आपको कहीं पर भी एक इंच सूखी ज़मीन नहीं मिली। जबकि हमको यहाँ पहुँचने में काफ़ी देर हो गई, हम बहुत देर से यहाँ पे आए हैं, उसके बावजूद जो है कहीं सब पानी पानी। तो विनायक का ये कहना है कि क्या वो कोई वहाँ से 100-200 चैनलों में से कोई तो आ सकता था, कोई तो हमारी बात करता, या फिर इतना ही नहीं, इनको ये भी तकलीफ़ है कि इतने सारे लोग ट्विटर फेसबुक पे हैं, ये भी लोग एक्टिव रहते हैं, देखते हैं, पढ़े लिखे हैं ये, तो कह रहे हैं कि किसी ने तो हमको कोई दिखाई नहीं पड़ा, कोई हमको हमसे कोई वास्ता नज़र नहीं आया कि कोई कहता चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी वहाँ से अगर एक कुछ कह देते हैं, ये अपने गाँव वालों को बताते हैं, जो पूरा मछली पालकों का एक बार से गाँव है, यहाँ पे SC ST की आबादी वाला ये गाँव है, थोड़ी मुस्लिम आबादी है, तो वो लोग खुश रहते हैं कि चलो हमारे बारे दिल्ली में कुछ बोला गया, लेकिन वो
इनको लगता है कि हम जो बाहर जाते हैं तो हमको वो तवज्जो नहीं मिलता, हमको अपनत तो नहीं मिलता वो उस तरह का, और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही ये कुछ ना कुछ होता रहता है। तो फिर वो जो इनका दर्द है आज वो हमसे बात करते हुए बाहर आ गया। अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो ये दर्द आपने झेल लिया है, कुछ और कहना चाहेंगे जो लोग हमारे माध्यम से जो भी कुछ लोग देख पा रहे होंगे न्यूज़ पोर्टली के जरिए, कुछ कहेंगे उनसे आप? मैं यही कहूँगा कि हमारे अंदर भारत के लेकर और भारत के किसी और स्टेट को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। ऑलवेज असम आपके साथ है, और आपको जितने भी तकलीफ हो आप असम आपके हर वक्त आपके साथ तार रहेगा। लेकिन हमारे साथ भी आप रहने की कोशिश करिए और हम भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी चैनल में असम की खबर 2 सेकंड 3 सेकंड कम से कम 30 सेकंड तक आ गई, लेकिन कोई हेडलाइंस नहीं बना असम की बार। और ये बार खाली 2022 में नहीं, 2004 में हुई, 2007 में हुई, 1994 में हुआ, ये होते रहते हैं। मैं तो चलो 2002 में जन्मा, लेकिन मेरे पापा जी दादाजी वो भी कहते कि असम के बार का कोई परमानेंट हल सरकार को ढूंढना होगा, वरना ऐसे ही लोगों की बर्बादी होती रहेगी। शुक्रिया। तो ये विनायक जो अपने मन की कुछ बात कह रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुने होंगे, और जब अगली बार कुछ ऐसा होगा तो आप बढ़ के आगे आएंगे और असम के साथ खड़े होंगे, हाथ मिलाएंगे।